आज बच्चे काफी खुश हैं क्योंकि उनकी मेहनत का नतीजा आ गया है। प्लस टू CBSE का रिजल्ट आ गया है और आप देख सकते हैं ये तमाम बच्चे हैं जिन्होंने करनाल में एक बेहतर रिजल्ट लेकर आए हैं। इन बच्चों से बातचीत करते हैं कि कैसा रिजल्ट रहा, लेकिन इस बार के रिजल्ट में एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। उनका जो प्रतिशत रहा है रिजल्ट का 90.68% उनका रिजल्ट रहा है। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, कैसा रिजल्ट रहा आपका, कुछ बताएं अपने रिजल्ट के बारे में। 94.2% है कॉमर्स में। और कितनी खुशी, मतलब आज तो पेरेंट्स भी बहुत खुश है और टीचर्स भी बहुत खुश है। बहुत खुश कैसा रिजल्ट रहा कुछ बताएं अपने रिजल्ट के बारे में। मेरे 91.4% नंबर आया कॉमर्स स्ट्रीम से और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे टीचर और मेरी मेहनत की वजह से ये हासिल हुए हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, उनके टीचर्स जिन्होंने मेहनत की है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। कैसा रिजल्ट रहा, किसको श्रेय देंगे और क्या कुछ इस क्लास से आपने सीखा। मेरे 95.8% कॉमर्स स्ट्रीम में आए हैं एंड मैं नर्सरी से स्कूल में पढ़ रही हूँ तो सब टीचर्स ने मुझे छोटे होते से देखा एंड दे ऑल आर सो हैप्पी एंड ऑब्वियसली उनको मेरे लिए प्राउड फील होते देख मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई एम हैप्पी विद माय रिजल्ट। कैसा रिजल्ट रहा आपका, कौन सी स्ट्रीम आपके पास थी और आगे का क्या लक्ष्य है आपका। सर मेरी कॉमर्स स्ट्रीम थी, मेरे 96.8% आए हैं। इसका पूरा क्रेडिट मेरे मम्मी पापा और मेरे टीचर्स को ही जाता है और मेरे भगवान को जाता है। और आगे चल के मैं CUET की ट्राई कर रहा हूँ, उसमें यहाँ पर एडमिशन होता है। तो पूजा पाठ भी किया था पढ़ाई के साथ साथ। पूजा पाठ सर इन द सेंस की रिजल्ट नहीं मांगा था ऐसे ही। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रिजल्ट रहा आपका, कुछ बताएं उसके बारे में। सर मेरे नॉन मेडिकल स्ट्रीम में 94.6% आए हैं और इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं स्कूल के टीचर्स को देना चाहूँगा। उन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब हम पे फोकस किया और हमें टाइम टू टाइम गाइड किया कि ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए, कि ज़्यादा मतलब जो चीज़ें जिन पे फोकस नहीं करना था वो सारी चीज़ें बताई, जिन पे ज़्यादा फोकस करना था वो बताया ताकि हम अपने मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। और बस यही है, टीचर्स और पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा उसकी वजह से ये रिजल्ट। पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा, टीचर्स का भी सपोर्ट रहा। मैम क्या कुछ कहेंगे, बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट है और ये श्रेय बच्चों का भी है, आप लोगों का भी है, पेरेंट्स का भी है। क्या कुछ बच्चे सीख कर जाएं इस क्लास से आगे। अब तक जो करवाना था पढ़ाना था पढ़ा दिया, साथ एक वैल्यू सिखाई है कि एनवायरमेंट को बचाना। हम मैं आपसे बस एक चीज़ ये कहूँगी कि आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान रखना है, बहुत गाड़ियों के पीछे नहीं भागना, बहुत ब्रांड्स के पीछे नहीं भागना। अगर बहुत ज़्यादा है आपके पास तो उससे शेयर कीजिए एंड आई एम वेरी प्राउड कि आपका और आपके टीचर्स का हार्ड वर्क आज रंग लाया। थैंक यू। तो बच्चों की मेहनत आज रंग लाई है और इसलिए ही स्कूल में काफ़ी खुशी का माहौल है। एक नतीजा आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करता है और हमेशा आप ज़िंदगी में अच्छा इंसान बनने का प्रयास कीजिए क्योंकि रिजल्ट आते रहते हैं। लेकिन आज बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट है इसलिए वो विक्ट्री का साइन भी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि प्लस टू CBSE के रिजल्ट आ चुके हैं। करनाल से न्यूज़ 18 हरियाणा के लिए हिमांशु नारंग।